गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। बच्चों बच्चों, अब मैं आपको लेसन थ्री पढ़ाऊंगी। लेसन थ्री, ओके। हाँ, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ठीक है। इससे पहले मेढक की सीख पढ़ाया था बच्चों, उससे पहले प्रार्थना, और अब मेरा परिवार बच्चों, ठीक है। हाँ, टेकआउट सब बच्चे मेघा और मेरा परिवार, लेसन पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 चिल्ड्रन, ओके। हाँ, आप सभी को मालूम है कि हम लोग सब एक परिवार में रहते हैं, आप भी एक परिवार में रहते हैं, हम भी एक परिवार में रहते हैं, है ना बच्चों। तो परिवार किससे बनता है बच्चों? मम्मी पापा और बच्चों से, और दादी दादा नानी नाना, ये सब हमारे परिवार के भी सदस्य हैं, ओके। तो परिवार में बच्चों कौन कौन है? राबी का परिवार है यहाँ पर। इस परिवार में कौन कौन है अभी हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब लेसन में उंगली रख के देखिए बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ और आप ध्यान से सुनिए। मेरा परिवार, मेरा नाम राबी है, ये मेरा घर है। इस घर में मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की प्यारी बेटी हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं राबी नाम की एक बच्ची है जो अपने परिवार के बारे में बता रही है कि ये मेरा घर है और मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की प्यारी बेटी हूँ। हाँ, और वो अपने मम्मी पापा की बहुत प्यारी बेटी है, ठीक है। प्यारी मतलब हाँ, जिसको सब लोग प्यार करते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। अब वो क्या कह रही है कि मेरी मम्मी जो है वो सुबह कितने बजे उठ जाती है? 5 बजे, है ना। हाँ, आपकी मम्मी भी जल्दी उठती हैं, हम भी जल्दी उठते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी के ऊपर बच्चों का क्या होता है? बर्डन होता है, है ना। हाँ, मम्मी लोग तो उठ के बच्चों को नाश्ता बना के और उनका टिफिन तैयार करके, उनको स्कूल की ड्रेस पहना के तैयार करके उनको स्कूल भेजती है ना बच्चों। तो यहाँ राबी की मम्मी भी कितने बजे उठ जाती है? सुबह 5 बजे। हाँ, वह उठकर काम में लग जाती है। घर का सारा काम मम्मी ही करती है। और राबी कह रही है वह जल्दी उठ के सब घर का काम पूरा सब करती हैं। सबसे पहले सुबह हम सबके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बच्चों सुबह का जो खाना होता है, सुबह का जो जलपान होता है, उसको बोलते हैं नाश्ता। हाँ, राबी कह रही है कि हम लोगों के लिए, सबके लिए सुबह उठकर मम्मी नाश्ता तैयार करती हैं। हाँ, मैं और सुभी स्कूल जाते हैं। सुभी मेरी छोटी बहन है। राबी क्या कह रही है कि मैं और सुभी, सुभी उसकी छोटी बहन है, स्कूल विद्यालय, ठीक है, कॉलेज, है ना। हाँ, तो सुभी के साथ, वो अपनी छोटी बहन सुभी के साथ स्कूल जाती है। मम्मी पापा सुभी को बहुत प्यार करते हैं और मम्मी पापा सुभी को भी बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि सुभी और छोटी है, है ना। राबी बड़ी है और सुभी छोटी है। पापा सुबह उठकर अपने दफ्तर के लिए तैयार होते हैं। और क्या कह रही है कि पापा जो हैं, अपने पापा के लिए क्या बता रही है? हाँ, कि उसके पापा तैयार हो करके दफ्तर मतलब ऑफिस, कार्यालय, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। दफ्तर तैयार हो करके और अपने दफ्तर के लिए जाते हैं सुबह, ठीक है। हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं, ठीक है। और क्या कह रही है कि हम लोग सब मिलकर नाश्ता करते हैं, खाते हैं नाश्ता जो सुबह मम्मी बनाती है। मम्मी नाश्ते में रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाकर देती है। और मम्मी हाँ क्या बता रही है कि मम्मी एक ही जैसा नाश्ता नहीं बनाती हैं। हाँ, कभी कुछ बनाएंगी, कभी कुछ, क्योंकि एक जैसा खाती तो आप भी बोर हो जाते हैं ना, फिर राबी कैसे खा लेगी? राबी को भी अलग अलग नाश्ता चाहिए, है ना। तो राबी की मम्मी क्या करती है? राबी की मम्मी रोज़ सुबह अलग अलग नाश्ता बना के उसको देती है। हम सब टिफिन लेकर स्कूल जाते हैं। और राबी क्या कह रही है कि हम लोग हाँ टिफ़िन लेकर अपना अपना स्कूल भी जाते हैं। टिफ़िन बच्चों, जो मम्मी आपके लिए टिफ़िन तैयार करती हैं, खाना पैक करके हाँ स्कूल के लिए टिफ़िन बॉक्स में रखती हैं, हाँ उसको बोलते हैं हाँ, जो स्कूल आप ले जाते हैं, ठीक है। तो राबी और उसकी छोटी बहन सुभी के लिए मम्मी टिफ़िन तैयार करके स्कूल के लिए
उनको तैयार करके पैक करके देती हैं। पापा का दफ्तर घर से कुछ ही दूरी पर है। पापा अपना सारा पेज टर्न करेंगे बच्चों, पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर आएंगे बच्चों 56, पेज नंबर 56 पर आएंगे बच्चों। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं कि पापा का दफ्तर जो है वो स्कूल, वो घर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। पापा अपना सारा काम स्वयं करते हैं, स्वयं मतलब बच्चों खुद, ठीक है। हाँ, पापा अपना सारा काम क्या करते हैं, स्वयं खुद करते हैं। उन्हें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना पसंद है, पसंद लगना बच्चों, अच्छा लगना, और समाचार खबर, ठीक है, समाचार खबर प्रतिदिन रोज, ठीक है, समाचार खबर पसंद, अच्छा लगना, ठीक है। तो क्या कह रहे कि उन्हें क्या पसंद है, रावी के पापा को क्या पसंद है, समाचार पत्र पढ़ना, ठीक है, जिससे उन्हें देश दुनिया की खबरें मिल सके। और ये इसलिए उसके पापा समाचार पत्र पढ़ते हैं ताकि उनको पूरे देश दुनिया की क्या क्या दुनिया में हो रहा है ना। आपके पापा मम्मी भी समाचार देखते होंगे, पढ़ते होंगे, है ना, तो इससे दुनिया की, दुनिया में हमारे देश में क्या क्या हो रहा है उसकी खबरें हमें सब समाचार के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो रावी के पापा भी रोज़ प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ करके सारी देश दुनिया की खबरें मालूम करते हैं। वे टीवी पर भी समाचार देखते हैं, और वो क्या, किस पे देखते हैं समाचार बच्चों, टीवी पे भी समाचार आता है, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, टीवी में भी आता है, मैगजीन्स होती हैं कुछ समाचार पत्रों की, उसमें भी समाचार आता है ना। तो वो कह रही है कि टीवी में भी हमारे पापा समाचार देखते हैं। मुझे और शुभी को टीवी पर कार्टून देखना पसंद है, और वो क्या कह रही है कि पापा तो समाचार देखते हैं हाँ, और मैं और शुभी क्या देखते हैं टीवी पर, कार्टून, जैसे आप लोग भी देखते हैं कार्टून हाँ, छोटे बच्चों को कार्टून, कार्टून बच्चों किसको कहते हैं, चलचित्र को, छोटे छोटे जो स्टोरी टाइप के बनाए जाते हैं बच्चों को अच्छे लगते हैं, उसमें बच्चों से संबंधित चीज़ें होती हैं हाँ, और वो बच्चों को हंसाते भी हैं, तो इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है कार्टून देखना, चलचित्र, ठीक है। हम दोनों स्कूल में आकर शाम को अपने पसंदीदा कार्टून और नाटक देखते हैं, और हम दोनों स्कूल से आकर शाम को क्या करते हैं, घर पर हाँ कार्टून और नाटक हाँ देखते हैं बैठ के। हर रविवार को हम घूमने जाते हैं, और रवि क्या कह रही है कि हर रविवार को, हर संडे को, रविवार मतलब बच्चों संडे, संडे को स्कूल बंद रहता है, ऑफिस बंद रहता है, दफ्तर बंद रहता है, सब कुछ बंद रहता है, ठीक है, तो छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन रवि का परिवार घूमने जाता है, मज़ा करते हैं, हमें हमेशा रविवार का इंतज़ार रहता है। और रवि क्या कह रही है कि हमें हमेशा हाँ, हमेशा मतलब सदा, ठीक है, इंतज़ार, प्रतीक्षा, ठीक है हाँ, वेट करते हैं हम रविवार कब आएगा और कब हम घूमने जाएंगे, ठीक है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, वह मेरी हर बात मानते हैं, और अभी क्या कह रही है कि वह अपने पापा को बहुत प्यार करती है क्योंकि उसकी पापा उसकी हर एक बात मानते हैं, और शायद रवि अपने पापा की हर एक बात सुनती है, इसीलिए हाँ पापा भी उसको बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों बहनों में झगड़ा होता है तब पापा हमें कभी डांटते नहीं, और क्या कह रही है कि जब हम दोनों बहनों में झगड़ा होता है, झगड़ा मतलब बच्चों लड़ाई, जैसे आपके भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, ठीक है, दोस्तों में भी लड़ाई होती है ना, तो इस तरीके से रावी और उसकी बहन शुभी जब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो तब पापा हमें कभी डांटते नहीं हाँ, तब वो कह रही कि पापा हमें कभी भी गुस्सा नहीं करते, डांटते नहीं, बल्कि प्यार से समझाते हैं, बल्कि वो क्या कह रही है, बल्कि मतलब लेकिन वो हमें प्यार से सब बातें समझा देते हैं और हम लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि रावी के परिवार में उसके मम्मी पापा, रावी और उसकी एक छोटी बहन, मतलब चार लोग हैं रावी के परिवार में, ठीक है हाँ।
और उसने अपने परिवार के बारे में बताया कि पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी सुबह उठकर नाश्ता बनाती हैं, टिफिन तैयार करती हैं, हम लोग सब सुबह नाश्ता करते हैं, ठीक है। पापा के लिए बताया कि पापा ऑफिस जाते हैं, पापा को समाचार पत्र पढ़ना पसंद है, ठीक है। टीवी पर मैं और मुझे और शुभी को कार्टून देखना पसंद है, ठीक है। रविवार को हम घूमने जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें रविवार का इंतज़ार रहता है। और राबी और शुभी जब लड़ते हैं तो पापा उनको प्यार से समझाते हैं। एक अच्छा छोटा परिवार यहाँ पर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, अच्छा सा लेसन है, प्यारा लेसन है, हमारे फैमिली से रिलेशन संबंध रखने वाला एक अच्छा लेसन है ना, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।